जगह तो कभी लिया होगा। कौन कौन सा रूम है इसमें, सजेस्ट करो मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसी दुकान करेंगे, छोटी सी माता रानी है, मेरी दिक्कत नहीं है। सो गाइस, जो मतलब बाज़ार का सामान था वो तो मैं लेके आ चुकी हूँ नवरात्रों के लिए, और अभी जो है ना मैं मेन चीज़ जो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ ये कलसी करने के लिए उपले, क्योंकि ये जो है ना बहुत मेन है और शहर में इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। हालांकि नवरात्रों वगैरह में तो बाज़ार वगैरह में मिल जाते हैं, बट जिनसे मैं दूध वगैरह लेती हूँ उन्हीं से मैं ले आई हूँ ये, तो ये भी ले आई हूँ। और जो मेन सामान है लाइक फूलमाला वगैरह और आम के पत्ते वगैरह, वो सारी चीज़ें तो कल ही आएंगी क्योंकि फिर परसों से तो नवरात्र है, तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो हमारे प्रसाद के लिए बना है। इस प्रसाद के लिए बने हैं ये लड्डू, और ये हैं तिल के गोले के लड्डू प्रसाद के लिए, जो माता रानी के लिए भोग के लिए बन जाएंगे। तो गाइस मम्मी आई हुई है, तो मम्मी ने प्रसाद बना दिया है, कल बनेगा हमारे यहाँ पे पंचमेवा का प्रसाद, और देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें होती है। तो सारी तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सारी तैयारी आप देखते रहो। गाइस यहाँ पर मैं ना फूल्स ले आई हूँ, तो ये सारे फ्लावर आ गए हैं, तो मेरा मंदिर का ऑलमोस्ट सारा सामान आ चुका है, फ्लावर भी लेके आ चुकी हूँ और प्रसाद भी बन गया है, और बाजार से माता रानी का भी सामान आ गया, पूजा का भी आ चुका है। तो अभी फ्लावर वगैरह रख देती हूँ और थोड़ा बहुत और काम है वो भी करती हूँ, फिर हम मंदिर को डेकोरेट करेंगे और उसके बाद आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी। मैं एक ये बंदर है जिसे मैं पार करता हूँ। सो गाइस अभी हमारा मंदिर रेडी हो गया, रात के बज रहे हैं पूरे 12, और यहाँ पर मंदिर हमने रेडी किया है इस तरीके से। यहाँ पर हमने बनाया कान्हा जी का स्थान, जो कान्हा जी बैठेंगे, यहाँ पर माता रानी रहेंगी और यहाँ पर सारी देवी रहेंगी, और इधर की तरफ रहेगा कलश। तो पूरा मंदिर हमारा रेडी हो चुका है। यू गाइस इधर सो रहे हैं हमारे लाला, ये सो रहे लाला जो 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 जो। सो अगले दिन हुआ नवरात्रि का पहला दिन की शुरुआत, जहाँ पर बंदरवाल बना रही थी मम्मी बैठी हुई, और फिर यहाँ पर सारे भगवान जी को मैं किचन में लेके आ गई और वहाँ पर मैंने स्नान कराया, नहा धोकर मैं भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पर मैंने पहले माता रानी का, शेरावाली का, फिर काली माँ का स्नान कराया, फिर मेरे गणपति जी हैं इनको भी मैंने स्नान कराया, और यहाँ पर हमारे क्योंकि लड्डू गोपाल आए हुए थे मम्मी के साथ में, तो उनको भी नहलाकर हम मैंने कर दिया था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, नज़र नहीं लगानी किसी को लड्डू गोपाल को, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, जो मैंने आपको दिखाई थी ना मैं सारी ले आई थी, सारी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये पिंक वाली जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लाल और पिंक कलर जो होते हैं वो अच्छे कलर होते हैं, तो इसलिए मैंने वो पहनाई। और फिर माला बनाकर, नई माला निकालकर, ये मैंने अपनी माता रानी, दोनों माता रानी को, काली माँ को और शेरावाली माँ को रेडी किया। फिर यहाँ पर कलश की तैयारी करी, और इसके बाद यहाँ पर जतिन जी ने जो बंदरवाल थी वो बांध दी थी गेट पर ही, क्योंकि पहले नवरात्रे पर बंदरवाल बनती है, तो उसकी तैयारी करी हमने। फिर यहाँ पर जो कलश थे वो जतिन जी ले गए थे अपने साथ में, और यहाँ पर फिर घी की तैयारी, दीपक की तैयारी करी, सामग्री की तैयारी हमने यहाँ पर, फिर पंचमेवे का प्रसाद बनाया। पुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा कायत्यानी स्कंद माता महाकाली महागौरी सिद्धि रात्रि की जय, नौ भवानियों की जय, जयकारो बोल नौ भवानियों की जय। तेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंगले शिवे शर्वाद शादिके श्रणिके त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। यशस्विनी मैं मनोवंचित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली शूल धारणी और यशस्वनी माता शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। बोल माँ भवानी की जय। बोल महामाई की जय। बोल शेरावाली खप्पर वाली जोता वाली पहाड़ा वाली मैया की जय। हो वाली जय बोल श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी त्रिवेदी ओम जय अम्बे गौरी टीको मृगवति को मैया टीको ओम गौरी करिवाहन रे दुख हार Thank you.
सो गाइज ये मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा अपना मंदिर जो कि सारा हमने रेडी किया है। यहाँ पर सारे भगवान को नीचे हमने बिठाया और माता रानी के लिए जो हमने अलग स्थान बनाया था वहाँ पर हमने माता रानी को बिठाया जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, सच में बहुत सुंदर। और देख रहे हो आपकी नज़र नहीं लगाओ किसी को भी मेरी माता रानी को। फिर यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को भी का स्थान बनाया था, वहाँ पर लड्डू गोपाल को बिठाया और यहाँ पर फिर मैंने करी सारे मखाने मुफले वगैरह की तैयारी क्योंकि ऑफिस जाना था जतिन जी को। फिर बनाई हमने घिया की महारानी। भूख लगा लिया है, हमारा हमारा लड्डू डोबाल भी ठा लिया है और हमारे घर में सबके व्रत है, हमारे लाला का भी व्रत है। सारे बैठे हैं अभी खाने के लिए। तो ये है मिस आयुषी, एक बार आयुषी अपनी शक्ल दिखाइए। ये है आयुषी, जतिन जी बैठे उधर, इधर खाना है हमने सब्जी और हमने बनाई है खिचड़ी और रायता। ये सब मम्मी सब खाना खा रहे हैं, ये भी खा रही है। सो ये था गाइज मेरा नवरात्रि का ब्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताइए और जल्दी मिलती हूँ आपसे प्यारी सी वीडियो के लिए। तब तक लिटिल देन बाय।